हम ये मानते हैं कि हम बुद्धिशाली हैं, बहुत अक्कले हैं हमारे में, हम जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं। हालांकि विश्व का समाजविद ऐसा नहीं मानता, दुनिया ये मानती है कि दुनिया की सबसे बुद्धिशाली कौम है जूस, यहूदियों की जाति, इसराइल के लोग सबसे बुद्धिशाली। 169 नोबल प्राइज उन्होंने जीते हैं, एक राजस्थान के नक्शे से भी छोटा उनका देश है। ऐसे रेगिस्तान में उन्होंने बाहर ला दी है, वे ऐसे संगठित हैं, मजबूत हैं, धर्म और समाज को जोड़ करके चलते हैं, किसी भी हालत में समझौता नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं, तन से, मन से, धन से। इसीलिए दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने यहूदियों को मारा था, मुसलमान देशों ने यहूदियों को मारा था, इतने यहूदी समाप्ति के कगार पर पहुंच गए थे। 60 साल तक वे अपना इसराइल छोड़कर के शरणार्थी के तौर पर पूरी दुनिया में बिखरे हुए रहे, स्ट्रगल किया, मुसीबतें झेली, भूखे मरे, मेहनत की, एक दूसरे से जुड़ते चले गए, वापस पैसा इकट्ठा किया, कमाया, फिर संसाधन इकट्ठे किए, फिर औजार इकट्ठे किए, फिर अलग अलग देशों में रहते हुए उन्होंने सबको वॉर की यानी कि सेना की ट्रेनिंग दी, एक एक यहूदी को सैनिक बनाया गया, फिर एक साथ में प्लानिंग बनाकर वापस पहुंचे इसराइल। 7 दिन के अंदर आर पार की लड़ाई लड़ करके आखिर इसराइल उन्होंने प्राप्त कर ही लिया। 60 साल पहले यहूदी रोते थे, इधर उधर बिलकते थे, जहां तहां शरण लेकर के रहते थे। भारत में भी हजारों यहूदी आए थे, दाना पानी नहीं था, मजदूरी करते थे, लेकिन मन में निष्ठा थी कि हम जूस हैं, हम यहूदी हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारी परंपरा जिंदी रहनी चाहिए, हमारा समाज जिंदा रहना चाहिए, किसी को हक नहीं हमें मारने का। हिटलर ने माना है, अपराध किया है, हम उसका बदला लेंगे। उसी प्रकार मुसलमानों ने मारा है, अपराध किया है, हम वापस पैदा भी करेंगे और बदला लेंगे।